ये देख लीजिए, ये देखे लकड़ियाँ रखी हुई हैं, वो छत पे लकड़ियाँ हैं। क्या ये डाला हुआ है, क्या करें, लकड़ियों की बचत करनी, चूल्हा जला रहे हैं, पका रहे हैं और खा रहे हैं। एहतियात नाम को नहीं वो रखा चूल्हा, बिल्कुल भी नहीं आती कि बिल्कुल भी आती हो, रात में भी नहीं आती। अगर रात में आती तो हम रात में बना लेते, रात में भी नहीं आती, दिन रात नहीं आती, चौबीस घंटे नहीं आती, नहीं कोई टाइम नहीं, टाइम नहीं आती। सही कह रहे हैं हम आपको, बिल्कुल भी नहीं आती। हम लोग तो लकड़ी जला जला के, इदारे वाले तो बताते हैं कि हम दो घंटे सुबह दो घंटे बिल दिखा दें, बिल आए हमारे 3,000। हमें आप पे यकीन है, सही कह रही हैं आप, देख ले आप खुद ही कि ये शहर में रहते हैं हम, मेन शहर है जी। अभी लाइट लाइट नहीं आती, पानी नहीं आता, गैस नहीं आती, तीनों चीज़ें नहीं आती हमारे तो। और घर वाले क्या करते हैं, मर्द क्या काम करते हैं? मर्द मजदूरी हैं और क्या करेंगे बेचारे, मजदूरी करते मजदूरियों से इतने के मकान है हमारे, किराया भी देते हैं, बिल भी देते हैं, मजदूरी करके आते हैं। अगर 1,000 रुपये लाएँ तो 1,000 रुपये में गैस बिजली क्या करें पूरे, हम आटा नहीं मिल रहा पूरा पाकिस्तान देख लें, वो देखें सामने आती ही नहीं गैस बिल्कुल, पूरी बिल्डिंग पूरे मोहल्ले में नहीं आती हमारे, पूरे गड़ी शोर में दिन रात जी किसी भी वक्त इन लोगों के घर गैस नहीं आती। और SNGPL की जानिब से तो बताया जाता है कि टाइमिंग्स हैं सुबह दोपहर शाम, दो तीन घंटे गैस शहरियों को फराहम की जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक, ठीक है। क्या करते हैं भाई? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं, आजकल मजदूरियों के क्या हालात हैं, काम कैसे हैं? काम बहुत ठंडे हैं जी, इस वजह से कि पाकिस्तान में अब पहले तो कुछ थोड़ा बहुत अच्छा था, अब बिल्कुल ही ख़त्म होता जा रहा है। जब से इमरान खान आया ना, महंगाई इतनी हो गई है कि एक वक्त का इंसान घर में खाना नहीं पूरा कर सकता। इस लिहाज से ना बहुत हर इंसान परेशान हुआ है, तो ऐसी परेशानी का क्या करना है कि हर इंसान ने मजदूरी करके जो कमाना वही लगा घर ला के खा लेना, तो उसका क्या फ़ायदा खाने के? फिर इससे अच्छा बंदा घर बैठ के अब मर जाए या अपने आप को, अल्लाह रहम करे भाई साहब, अल्लाह रहम करे। हालात जा रहे हैं मुल्क के, जैसे मरने वाले हालात ही हैं, हर इंसान घर में परेशान है, दुख तकलीफें हैं, सब बच्चे हैं, जाहिर है सर्दी ऐसी पड़ रही है कि बच्चे बीमार हैं, जो है दवाई लाए हैं कि घर में खाना का इंसान क्या गैस वैस आ रही है घर? नहीं गैस नहीं आ रही बेटा, बिल इतने आ रहे हैं, गैस नहीं आ रही, और सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, सिलेंडर भी इतना महंगा है, 250 रुपये किलो दे रहे हैं, तो उसे क्या क्या करें, हांडी पकाएं, रोटियां बाजार से ही आ रहा है सारा कुछ। वो छोटा बच्चा है वो ठीक नहीं रहता, उसे दूध बनाने के लिए सिलेंडर बनाना पड़ता है हमें, तो फिर सिलेंडर बना के तो फिर हम उसको दूध शूध बना के देते हैं। तो कभी हुआ जो रात को सुबह 6 बजे आती है, फिर उस टाइम नहीं उठा जाता, हम शुगर के मरीज़ हैं, तो उस टाइम नहीं हांडी रोटी बनती मुझे ना, तो इसलिए बस वो सिलेंडर ही बढ़ा, और बिल इतना भेज देते हैं, तो गैस बिल्कुल नहीं आ रही। अभी भी आप देख लें गैस बिल्कुल नहीं आ रही, तो इतने मजबूर हैं, लकड़ियाँ बांध नहीं सकते, लकड़ियाँ भी इतनी महंगी हैं कि क्या क्या करें, इधर बंद कमरों में किस तरह, कमरों में कहाँ लकड़ियाँ जलाई जाएँ, कहाँ लकड़ियाँ जलाएँ, कहाँ चूल्हा जलाएँ, तो बस बच्चे का हमें मसला है, उसको हम दूध बनाने को देना पड़ता है, वो सिलेंडर भरा के ले आते हैं। हाँ जी ये मसला है। और आप सुबह दोपहर शाम खाना रोटी तंदूर से, रोटी तंदूर से ले आते हैं, और सालन तो नहीं लिया जाता। रोटी कितने की हो गई आजकल? तो रोटी 15 रुपये की, 15 रुपये की रोटी दे रहे हैं, तो नान 25 का, खमीरी रोटी भी 25 की है। और बेटा कितनी खिलाएं, अगर मेहमान आए तो 300-400 की रोटी आ जाती है, तो सालन वगैरह का कहीं कर लेते हैं थोड़ा बहुत, तो रोटियाँ इतनी महंगी हैं, ये पीछे बच्चियाँ आई हुई थी तो 400-400 की रोटी ले के खा रहे हैं, और गरीब आदमी क्या करे, रोटी बाज़ार से ला के खाएं या किराया दें या बिल दें, तो गैस का बिल तो उतना ही आता है, गैस आए ना आए बिल आए जा रहे हैं, बिल आए जा रहे हैं, बिल तो कमाल के आ रहे हैं, बिल तो आते ही, तो मसला बड़ा है कि गैस नहीं आ रही, तो मसला है बेटा कि वो छोटा बच्चा है, उसे दूध गर्म करके देना होता है, तो सिलेंडर भरा लेते हैं। हाँ जी ये बात है, बड़ी मुसीबत है, गरीब आदमी कितना करे क्या करे, किराया दे बिल दे ये गैस का बिल दे, ऐसा बेटा मसला है हमारा। तो आप जब सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं खर्चा तो बहुत बढ़ जाता है, तो आमदन होती है फिर उतनी? नहीं वो बेटा पता है ना, तो रोटी पकाते हैं तो ना हम हांडी बनाते हैं, गैस पे तो एक किलो डलवा के लाओ ना तो बेटा वो तो ख़त्म हो जाता है। अच्छा। हाँ जी तो वो फिर छोटे बेटे के लिए रखा हुआ है वो सिलेंडर, कि उसको दूध रात को भी वो कभी मांग लेता है, तो कभी इस टाइम भी नहीं आ रही तो उसको भी मैं दूध ही बना के देने लगी थी गैस में, वो 3-4 दिनों बाद हम ना 2 दिनों बाद 2 किलो
तीन किलो इतनी भरवा लाते हैं, वो भी 250 रुपये किलो है। वो कौन, पहले तो सस्ती सी, अब नहीं है, अब वो बहुत महंगी दे रहे हैं, 250 रुपये किलो दे रहे हैं। 250 रुपये किलो गैस मिलती है? हाँ जी, हाँ जी, 250 रुपये किलो दे रहे हैं। और गैस तो ये है कि वो तो दूसरी आ नहीं रही, तो बिल आ रहे हैं, बिल उतने ही आ रहे हैं। एक और घर, सिलेंडर की कहानी हर घर का मामला बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपा? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। मुझे ये बताइए कि गैस किस वक्त आती है, किस वक्त नहीं आती? गैस सुबह 6 बजे के टाइम आती है, और 6:30-7 बजे के दरमियान चली जाती है, उसके बाद गैस नहीं देखने को नहीं मिलती है। तो ज़्यादा से अच्छी सी आती है, खाना बन सकते हैं 6 बजे के टाइम अच्छी गैस आती है, लेकिन जाहिर बात है कि इस्तेमाल करने में लोग ज़्यादा हैं, उस टाइम लोगों का रुझान होता है कि हम लोग यूज़ करें, तो जब यूज़ करते हैं तो 6:30-7 बजे हम बिल्कुल बंद हो जाती है। आजकल 3-4 दिन से तो ऐसे हो रहा है कि बिल्कुल ऐसे चूल्हा बंद हो जाता है, अब भी चूल्हा बंद है, वो बिल्कुल नहीं चल रहा, और हम लोग सिलेंडर यूज़ करें, घर हमारे बंद है, हम लकड़ियाँ भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग आदि नहीं है इन चीज़ों के, तो सिलेंडर ही यूज़ कर रहे हैं इस टाइम, और तो हमारे पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है कि हम उसे यूज़ करें। सिलेंडर खर्चा कितना बढ़ाता है? सिलेंडर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तकरीबन 1 हफ्ते में हमारी 600 रुपये की गैस लग जाती है। अच्छा जी, और ज़्यादातर जो सुई गैस है उसमें तो ज़्यादातर आसानी होती है, वो तो मंथली इतना बिल आता है, तकरीबन 1000-1200 आता है, तो वो आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन आप ये हफ्ते का इतना तो नहीं अफोर्ड कर सकते। आप गैस का आजकल क्या रेट क्या मिल रहा है, कुछ मालूम है आप? मुझे तो इस चीज़ का आइडिया नहीं है, बच्चों को ही पता होगा क्या रेट वगैरह है, लेकिन यह कि रेट पहले से बढ़ गए हैं, टैक्स गैस महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई है, टैक्सेस बढ़ गए, लेकिन ये जो बाजारी गैस से फिर भी सस्ती है। अच्छा, लेकिन गैस आएगी तभी हमें सहूलतें मिलेंगी। अच्छा, तभी सुबह 6 बजे आपने बताया कि कुछ थोड़ी बहुत, फिर दोबारा कब, कितने बजे? तकरीबन उसके बाद मुझे दो, आजकल तो मैंने बिल्कुल भी देखने को नहीं, तकरीबन दिसंबर के शुरू में फिर भी आ रही थी, तकरीबन दिसंबर के मिड से बिल्कुल भी नहीं आ रही, तो ऐसे ही गुजारा हो रहा है, कई जगहों पर तो फिर भी आ रही है थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, लेकिन हमारे एरिया कितनी मुश्किल है कि गैस ना आए सर्दी के मौसम में। एक इशू गैस का नहीं है, तकरीबन बहुत सी चीज़ों के इश्यूज हैं, बिजली का भी है, पानी का भी है, तो सब मसले साथ साथ चल रहे हैं, तो लेकिन क्या मजबूरी है, वक्त है, गुजारना है, क्या करें, तो हुकूमत भी कुछ भी नहीं कर रही, कहते नई हुकूमत आएगी कुछ करेगी, लेकिन उसने भी कुछ नहीं किया कि इमरान खान ऐसा है, इमरान खान वैसा है, मान लो वो बुरा है, वो बहुत बुरा है, आप अच्छे हो, आप कुछ करो, कुछ तो करके दो आवाम, जो हम लोग चलो कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कहाँ जाएंगे? तो कईयों की दिहाड़ियाँ इतनी कम हैं, वो अपने घर का चूल्हा जलाएंगे, अपने बच्चों की ज़रूरत पूरी करेंगे, क्या करेंगे वो लोग? तो हम लोग तो खुद परेशान हो गए हैं, तकरीबन मेरे हस्बैंड अकेले कमाने वाले हैं, बच्चे 4 बच्चे पढ़ने वाले हैं, एक बेटा मेरा जॉब करता है, लेकिन इतनी इसकी सैलरी नहीं, सैलरी हम नहीं बढ़ाते। 3 बता रही हैं चूल्हा जला के रखा हुआ इन्होंने कि बस यही, ये फुल प्रेशर के साथ बस यही गैस आ रही है। अब ये फुल कितने बजे होगी या फिर कम होगी, ज़्यादा होगी, इन्हीं से बात कर लेते हैं। ये कितने बजे ज़्यादा हो जाएगी गैस? नहीं, ज़्यादा होती नहीं, इतनी रहनी है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, नहीं, ये भी चली जानी है, इससे भी कम हो जानी है, ज़्यादा नहीं होनी, कम हो जाती है, ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब सुबह का नाश्ता 2 बजे बना हमारा, इतनी सी चाय रखी हुई है सुबह की, अब बनी है हमारी, और अभी हम नाश्ता कर रहे हैं, 2 बज रहे हैं और अब नाश्ता मिल रहा है, और चाय नहीं बन रही थी इस पे, इतने से चूल्हे पे सिलेंडर जलाते हैं, और कोई खाना बनाना हो 3-3 दिन हम वही खाना खाते हैं, एक दफ़ा बना लेते हैं, और रोटियां इतनी महंगी बाज़ार से 15 की 25 की, कोई वो भी नहीं खाई जाती, क्या करे बंदा, एक महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है, गर्मियों में बिजली नहीं, सर्दियों में गैस नहीं, बस पूरी पूरी फैमिली इसको चलाना बिना गैस के सिलेंडर्स के साथ बहुत मुश्किल हुई है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई, और गर्मियों में हमें बिजली नहीं मिल रही होती, हम उससे परेशान होते हैं, ज़रूरत होती है, और सर्दियों में गैस नहीं है, बस यही मुश्किलों में फंसे हुए हैं हमारी, ये जो वज़ीर आज़म है इन्होंने तो हमें परेशान ही किया हुआ है। अच्छा मुझे बताइए कि क्या करते हैं घर वाले, काम शाम कैसा है, आमदन उतनी हो रही है, क्योंकि जब गैस नहीं आएगी ऑल्टरनेटिव ही करते हैं, और क्या करते हैं, ये बेटा कपड़े की दुकान पे लगा हुआ है, और शोहर ये अल्मोनियम का काम करते हैं, बस यही है, तो आमदन क्या होनी है, तनख्वाहें बढ़ती हैं महंगाई के हिसाब से, कोई भी नहीं बढ़ती है उतनी की उतनी, सरकारियाँ जो हमें तनख्वाहें दें हमारे, तो वही है ना मजदूरी जो है, मजदूरियाँ नहीं बढ़ती, नहीं वो नहीं बढ़ती, वो तो वैसे की वैसे ही है, हाँ जिनकी तनख्वाहें हैं उनकी बढ़ता। आपा खर्चे फिर कैसे पूरे, कहाँ कहाँ कट लगता है, कौन कौन से खर्चे पूरे हो रहे हैं, उधार चढ़ा हुआ है इतना, कहाँ से करें, अभी हमारे ऊपर मेरा ख्याल 1,00,000 रुपया कर्जा है हमारा,
मेरे बेटे का और मेरे मियाँ का तो काम ही नहीं चल रहा ना। किसी की भी शॉप पे जाते हैं पत्थर टाइल की तो वो कुछ भी नहीं है, कहते गाहक ही नहीं आते, तो वो भी फिर क्या करें, क्या दें आगे से। तो सरकारी को तो मौज है, उनकी तो हो जाती है तनख्वाहें। सरकारी वाले भी परेशान हुए बैठे हैं, वो भी कहते हैं कि जितनी तनख्वाह बढ़ती है महंगाई उससे डबल हो जाती है, वो भी परेशान है। चलो मिलती तो है ना, तो हमें तो कभी नहीं भी खाली हाथ आते हैं, तो खाली दिहाड़ी का कुछ नहीं पता, जिस दिन लग गई लग गई, कहीं जिस दिन नहीं वो नहीं देते, कहते काम ही नहीं है, काम ही नहीं है, क्या करें अब इसी से गुजारा हो रहा है।